उमर के चर्चित नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में उत्तराखंड में तैनात सेना के अग्निवीर भावेश उर्फ सौरभ सहित एक अन्य को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जबकि मंगलवार को देर रात पुलिस ने कठुमर थाना क्षेत्र के भवनपुरा निवासी राजकंवर, धर्मेंद्र और विष्णु को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार अब तक कर लिया है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता इक्लेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इक्लेश, कठुमर के जो गैंगरेप मामला था उसमें पुलिस का दावा है कि सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और क्या कुछ कहना है पुलिस का इस मामले में? जी बानू, जानकारी देना चाहूंगा कि 14 जुलाई को एक नाबालिग पीड़िता थी कठुमर थाना क्षेत्र की, तो वो जो एक अग्निवीर है भारतीय सेना में उसके पुराने संपर्क में थी, और उसको अग्निवीर का उसके घर पर आना जाना भी था, तो वो उसका विश्वास ही करती थी। एक दिन बहना फुसलाकर और उसके विश्वास मार आकर ये नाबालिग लड़की अग्निवीर के साथ चले जाती है, और रात्रि में कठुमर थाना क्षेत्र के किसी गांव के जंगलों में उस अग्निवीर ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद और खुद तो उत्तराखंड में जो है ये तैनात था, अपनी ड्यूटी पर चला गया। और उसके बाद जब पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती बताई, तो पीड़िता के परिजनों ने 22 जुलाई को गैंगरेप का मामला कठुमर थाने में कराया था। इस पर पीड़िता के परिजनों ने सीएम भजनलाल, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके भी द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगाई थी, जिस पर पुलिस पर भी काफी दबाव था, जिस पर कई टीमें बनाई गई। कठुमर सीओ सर्किल सीओ है योगेंद्र सिंह राजावत और थाना प्रभारी संजय शर्मा के नेतृत्व में अन्य भी टीम बनाई गई, और संभावित ठिकानों पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। जब अलवर एसपी अनंत शर्मा जी पूरे मामले की गहराई से मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसमें 4 दिन पूर्व 2 आरोपियों में से एक काफी भी था उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका था। कल देर रात कठुमर थाना क्षेत्र में ये 3 जने छुपे हुए थे, जिसमें एक का नाम विष्णु है, एक धर्मेंद्र है और एक राम कुमार नाम का है, जो भवनपुरा है कठुमर थाना क्षेत्र का गांव मार के रहने वाले, उनको भी धर दबोचा। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 5 जनों को ही पुलिस में मामला दर्ज कराते हुए पीड़िता के परिजनों ने नामजद किया था। अभी पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में जुड़ी है कि और किन किन लोगों ने इनको शरण दी थी और क्या क्या और मामले में खुलासा है, वो शीघ्र पुलिस द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इक्लेश, तमाम जानकारी के लिए।